नमस्कार दोस्तों, यह है अद्भुत कहानियों का संसार, किस्सा कहानी। तो पेश है फलक की कहानियाँ, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं रंजना बरियार, रांची झारखंड से। तो आइए सुनते हैं एक स्वरचित लघु कथा जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास। दोस्तों, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, यह एक ऐसी लड़की मृदुला की कहानी है जो आत्मविश्वास से लवरेज तो है, पर उसके पति अवनीश को उसका आत्मविश्वास जरा भी रास नहीं आता। तो आइए सुनते हैं उनकी जिंदगी में आगे क्या हुआ। आज तलाक की अर्जी पर अंतिम जिरह होनी है। अवनीश और मृदुला व्यवहार न्यायालय के कटघरे में आमने सामने खड़े हैं। अवनीश के चेहरे से उसके ऊंचे पद का दंभ टपक रहा है। मृदुला भी चुपचाप एक विश्वास के साथ खड़ी है। उसे लगता है अब तो जो होना था वो हो गया, वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। फिर भी अवनीश को सामने देखकर उसके साथ गुजारे गए 5 सालों के एक एक पल उसकी नजरों के सामने से गुजरने लगते हैं। क्यों अवनीश ने अपनी इंद्रधनुषी दुनिया को अपने ही दंभ की आग में जला डाला? काश अभी भी वो गलती स्वीकार कर क्षमा मांग ले। वो सामने खड़े अवनीश की बाजुओं में सिमट कर आंसुओं से सारे गिले शिकवे धो देना चाहती है। परंतु अवनीश, वो तो अभी भी अहंकार में चूर है। वो सोचता है, देखो मृदुला के आत्मविश्वास कुछ अधिक ही लग रहे हैं, मैंने तो उसके मरियल से चेहरे की उम्मीद की थी। खैर, मरनासम गौरैया आखिर कब तक अपने जोश के भुलावे में रह सकती है? गुजारा भत्ता के लिए तो उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा। पिता के टुकड़ों पे कब तक पलेगी? औरत है, पर मर्दों से अधिकार चाहिए उसे। कमाता मैं हूँ तो निर्णय उसके कैसे हो सकते हैं? कार्यालय मेरे निर्णय पे चलता है और घर में मैं ही भीगी बिल्ली बनकर रहूं? वो अपना सर उठाकर इतनी हठधर्मी नहीं करती तो मैं कभी भी तलाक के पचड़े में नहीं पड़ता। मानता हूं, जब मैं बोलता था तब वो चुप रहती थी। वैसे भी उसका सहयोग ही क्या था, किस बात का घमंड दिखाती? फिर भी बराबरी का अधिकार जताने से वो कभी चूकती नहीं थी। देखता हूं क्या होता है। अवनीश का झूठा अहंकार अभी भी कम कहां हुआ था। इजलास लग गया है, माननीय न्यायाधीश पधार चुके हैं। दोनों पक्षों के वकीलों को अपना अपना पक्ष रखने हेतु आदेश होता है। मृदुला के वकील गुजारा भत्ता के बगैर अर्जी पर निर्णय लेने हेतु प्रतिशपथ दायर करते हुए अनुरोध करते हैं। अचानक इजलास में सन्नाटा छा जाता है। आखिर वो जिएगी कैसे? मृदुला चुपचाप भरपूर आत्मविश्वास के साथ खड़ी रहती है। दोनों पक्षों के समुचित जिरह के उपरांत बगैर गुजारा भत्ता के तलाक की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। अवनीश बुद्ध, आंखों से बस एक ही प्रश्न, उसके आय के साधन क्या हैं? पिता पर निर्भरता है तो मुझ पर निर्भरता क्या बुरी थी? मृदुला ने उसकी जिज्ञासा शांत करना मुनासिब समझा। मैं मेडिकल प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग क्लास चलाती हूँ, उसके पास जाकर उसके कान में बता दिया। अवनीश की आंखें नम होते देखा, पर आत्मविश्वासी कदमों से वो इजलास से बाहर निकल गई। तो बस प्यारे दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नई लघु कथा के साथ। धन्यवाद। Thank you.